गुड मॉर्निंग क्लास सो स्टूडेंट्स एंड लास्ट वीडियो वी लर्न अबाउट फोटो सिंथेसिस एंड अबाउट ट्रीज शेड्स लीव सो फोटो सिंथेसिस में चार चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है कीप इन योर माइंड ऑलवेज फर्स्ट ऑफ ऑल सनलाइट सेकेंड वन इज़ वाटर थर्ड इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोर्थ वन इज जो कि लीव्स में ही होता है क्या होता है क्लोरोफिल ओके okay. तो इन चार चीज़ों से प्लांट अपना जो पत्तियाँ रहती हैं अपना फूड प्रिपेयर करती है एंड द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और हमारे एटमोसफेयर को क्या देती हैं फ्रेश एयर दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीजन ओके तो फोटोसिंथेसिस में चार चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल अच्छे से कभी भी पूछे तो आपको ये आना चाहिए बताना ठीक है बेटा ये मैम बार बार रिपीट कर रही हैं क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीव्स जो हमारे आसपास पत्तियाँ हैं पेड़ पौधे हैं वो जिंदा कैसे रहते हैं ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है ना तो हमें पता होना चाहिए कि ये क्या करती हैं लीव्स फोटोसिंथैसिस की प्रोसेस से अपना फूड प्रिपेयर करती हैं अपना भोजन बनाती हैं जिससे ये पौधे ये जो प्लांट रहते हैं ये जिंदा रहते हैं ठीक है नाउ टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट यूजेस ऑफ़ लीव्स कि क्या क्या यूज़ होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट तो हमने देख लिया कि वो भोजन बनाती है पौधे के लिए ठीक है लेकिन लीव्स के और भी यूजेस होते हैं क्या क्या होते हैं जैसे कि आप लीव्स के कहीं आ, नीम नीम की जो पत्तियाँ होती हैं उनका यूज़ आप मेडिसिन में करते हो आ, पालक स्पेंच उसका यूज़ आप एज अ वेजिटेबल करते हो ऐसी बहुत सारी लीव्स होती हैं मेहंदी यानी कि हैना उसका भी यूज़ आप करते हैं तो इसी तरह से हम लीव्स के क्या देखेंगे आज हम यूजेस देखेंगे ओके सो टेक आउट पेज नंबर थर्टी थ्री नव हि यूज ऑफ हैव मेनी बेटा यू हैव टू पुट योर फिंगर्स ठीक है मैम जैसे जैसे रीड करनी है ना आपको फिंगर्स रखनी है और आपको भी रीड करना है आपको रीड करना आना चाहिए ओके सो लीव्स हैव मैनी यूज इन आर डेली लाइफ लेट्स टेक अ क्लोज़र लुक एट दस वीज दे कैन बी यूज आप देखते हैं कि कौन कौन से टाइप की लीव्स होती हैं और कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं कैसे होती हैं तो एज अ फूड खाने के लिए हम करते हैं फूड भोजन में कैसे करते हैं मैनी लीव्स कैन बी ईट इन एंड आर कॉल्ड एडिबल लीव्स ओके okay, जो खाने के योग्य होती है जो खाने जैसी होती है उसको हम बोलते हैं एडिबल लीव्स वी ईट फर्स्ट वन इज़ वी ईट लेट्यूस एंड कैबेज इन सैलेड सैलेड में आप इसको यूज़ करते हो ये सारी चीज़ें आपको पता ही है स्पेंच इज़ अ वेरी हेल्दी लीव वेजिटेबल ये भी स्पेंच भी आप एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हो खाते हो ना खाना चाहिए बहुत हेल्दी होती है और बहुत यूज़फुल है हमारी बॉडी के लिए ठीक है नाव बेसिल एंड नीम लीव्स आर यूज फॉर मेडिस मेडिसिनल नीड्स यस एंड मेडिसिनल यानी कि मेडिकल uh, में आप इसको यूज़ करते हो दवाइयाँ बनाने में ठीक है बेसिल एंड आपको पता होगा तुलसी तुलसी को बोलते हैं हमने पढ़ा है और नहीं पढ़ा है तो आपको बैसिल का मतलब क्या होता है तुलसी जो होती है ना उसको हम बैसिल बोलते हैं देन कोरिएंडर एंड मिंट लीव्स आर यूज एज हर्ब्स हर्ब्स शर्ब्स पढ़ा है हमने यस yes, चलो बताइए जल्दी से बता दो हर्ब्स क्या होता है और शर्ब्स क्या होता है रिकॉल कर लें एक बार हर्ब्स मतलब क्या होता है हर्ब्स जब भी माइंड में आए तो आपको क्या आना चाहिए ग्रास अब ग्रास कोरिएंडर और मिंट तो ग्रास जैसे ही दिखाए होते हैं ना बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं ना तो हर्ब्स क्या हो गई मिंट और कोरिएंडर यानी और ग्रास जो सॉफ्ट होता है वो हर्ब्स होता है जिसकी स्टेम सॉफ्ट होती है वो हर्ब्स होता है और जिसकी स्टेम हार्ड होती है वो क्या होता है बेटा शर्ब्स यानी कि रोज ठीक है रिकॉल भी हो गया और आपको ध्यान भी आ गया होगा देन लीव्स आर यूज टू मेक बेवरेज वे बेवरेज़ लाइक टी यानी कि पेय पदार्थ पीने जैसी चीज़ें अब लीव्स ग्रीन टी होती है या फिर टी चाय पत्ती जो होती है वो भी किससे बनती है चाय पत्ती नाम ही उसका टी लीव्स तो किससे बनेगी पत्तियों से बनती है वो भी देन बे लीव्स करी लीव्स आर यूज एज स्पाइसिस बे लीव्स ममा को देखा होगा अपने स्पाइसिस में वो जो मसाले की एक पत्ती रहती है उसको क्या बोलते हैं हम उसको हम बोलते हैं बे लीव्स बे यानी कि वो तेज पत्ता करी पत्ता सुना होगा आपने तो इसको हम एज ए स्पाइसिस यानी कि मसालों के रूप में यूज़ करते हैं तो इस तरह से ये लीव्स देखो इस टाइप की लीव्स हमारे खाने में यूज़ करते हैं हम फूड में यूज़ करते हैं ओके ना नेक्स्ट है हमारे पास डाइंग डाइंग लीव्स फ्रॉम द हैना हैव रेड डाई अब डाइंग मीन्स सो बेटा डाइंग अब डाइंग क्या होता है आपने देखा होगा कभी ऐसे सिर में हम बालों में कलर करते हैं कलर सुना होगा ना आप लोगों ने तो डाइंग मतलब वो कलर करना लीव्स फ्रॉम द हैना हैव अ रेड कलर हैना हैना मीन्स बेटा मेहंदी मेहंदी का जो कलर होता है वो कैसा देखा ही होगा आप लोगों ने तो वो रेड डाई होता है ठीक है दीज लीव्स आर अराउंड एंड द डाई इज़ यूज टू कलर हेयर एंड फॉर मेकिंग पैटर्नस कॉल्ड मेहंदी ऑन द बॉडी येस मेहंदी अभी आप सभी ने देखी होगी मेहंदी लगाने के बाद हाथों में कलर कैसा आता है वो भी देखा होगा आपने तो वो क्या है और बालों में जब आ, हम कलर लगाते हैं बाल कलर करते हैं तो ये सब डाइंग डाइंग यानी कि कलर करने के यूज़ आती है तो मेहंदी को हम यूज़ करते हैं तो हैना लीवस मेहंदी लीव्स को हम क्या बोलते हैं बेटा हैना ठीक है हैना लीव्स आर यूज फॉर देयर डाय मतलब कलर करना तो कलर करने के लिए हैना को हम हैना लीव्स को यूज़ करते हैं देन द नेक्स्ट वन इज ऑयल्स अब ऑयल्स में कैसे यूज़ करेंगे देखते हैं लिव्स ऑफ प्लांट्स लाइक यू केलिप यूकेलिप्ट सेंट्रोनेला हैव स्पेशल ऑयल्स इन दैम दैट कैन कीप अवे पैट्स कीप अवे बेटा so ये जो ऑयल्स होते हैं ये लीव्स से जो हमको ऑयल मिलता है वो क्या करते हैं जो हमारे कीट वगैरह रहते हैं इंसेक्ट्स उनको दूर रखते हैं ठीक है क्या करते हैं उनको दूर रखते हैं नेक्स्ट वन कम टू पेज नंबर थर्टी फोर अब थर्टी फोर मिंट लीव्स अच्छा मिंट क्या होता है मिंट अभी हमने पढ़ा है मिंट क्या है है कि श्रब्स है एलमी मिंट है श्रब्स या हर्ब्स मेंट जो है वो हर्ब्स है ओके क्यों क्योंकि उसकी स्टैम क्या होती है बेटा सॉफ्ट होती है तो मिंट लीव्स हैव अ वेरी एरोमेटिक ऑयल एंड दैम कॉल्ड मिंट ऑयल येस एरोमेटिक मिन्स बहुत सुगंधित यानी कि बहुत अच्छी फ्रेगरेंस हुआ तो दैम कॉल्ड ऑयल विच इज़ यूज टू मेक टेस्टी मिंट स्वीट्स एंड इज ऑल्सो यूज इन माउथ फ्रेशनर्स एंड टूथपेस्ट ऐड सुना है ना आपने मेंट पुदीने की खुशबू वाला ऐसा ऐड सुना है ना आप लोगों ने यस तो वो मेंट लीव्स यानी कि इन इन पत्तियों से पुदीने की जो पत्तियाँ होती हैं उसका फ्रेगरेंस बहुत अच्छा होता है तो उसका यूज़ हम किस में करते हैं टूथपेस्ट या फिर माउथ फ्रेशनर्स जब बनाते हैं तो उसमें इसका यूज़ करते हैं तो इस तरह से लीव्स को भी हम बहुत उसके भी बहुत सारे यूज़ेस हैं एंड नेक्स्ट वन इज़ डिस्पोजेबल प्लेट्स प्लेट्स बनाने के काम आता है डेकोरेशन सो so, ये टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अभी यहीं तक ओके okay? चलो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं टिल बाय बाय एंड टेक केयर